हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो अपना जिहड़ा सोल्यूशन चैप्टर वह कंप्लीट हो चुकिया। ठीक है, तो हुण अपना यह लास्ट वीडियो आ गई ये चैप्टर की क्लीयर, जिस दे विच मैं इंपॉर्टेंट 10 ईयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगी तेनू, जो मोस्टली ही एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने, तो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें पहला वीडियोज़ के स्टार्टिंग दे विच करवा चुकी हाँ। ठीक है जी, तो हुण आपां ये क्वेश्चन स्टार्ट करन लगे हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, What are anti-freeze solutions? What are anti-freeze solutions? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, What are anti-freeze solutions? हुण anti-freeze solutions केड़े हुंदे ने? Anti का मतलब तो समझते हो oppose करना, मतलब freeze जेड़े solutions, ठीक है, फ्रीज जेड़े सोल्यूशनस फ्रीज के ओपोजिट हो, मतलब वो वाले सोल्यूशनस जेड़े किसी भी सबसटांस के फ्रीजिंग पॉइंट नू डिक्रीज कर देंगे ने, उन्हों आपां की कहांगे एंटी फ्रीज सोल्यूशनस। देखो समझो ध्यान नाल, एनी सबसटांस, एंटी फ्रीज सोल्यूशनस केड़े हुंदे ने? एनी सबसटांस, सबसटांस दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और सोल्यूशन। ठीक है, जेडे सबसटांस किसी भी सोल्यूशन का जा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे ने, उन्होंने की कहते हैं? एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, एक नॉर्मल जी एग्जाम्पल सुनो, लाइक एग्जाम्पल, ठीक है, वाटर अपने को 0 डिग्री सैलसीयस से फ्रीज होंगे, ये तो पता ना सबन, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कि बेटा 0 डिग्री सैलसीयस। अगर मैं वाटर के कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पा दा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट की हो जाता? डिक्रीज हो जाता, मतलब घट जाता। तो आप सबसटांस की कहेंगे कि जोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट घटा देवे, दैट इज नॉन एज द एंटी फ्रीज सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा इसकी, फॉर एग्जाम्पल इथलीन ग्लाइकोल इथलीन ग्लाइकोल एक अपने को सबसटांस आ जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की कर देता? डिक्रीज कर देता। इथलीन ग्लाइकोल एग्जाम्पल आ विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बेसिकली जो इथलीन ग्लाइकोल आ कितने यूज किया जाता? इट इज यूज इन कार रेडिएटर्स। कितने यूज किया जाता बेटा इथलीन ग्लाइकोल? इट इज यूज इन कार रेडिएटर्स, इट इज यूज इन कार रेडिएटर्स। ठीक है, तो क्यों यूज किया जाता? देखो जो कार रेडिएटर्स के प्योर वाटर यूज करते हैं, ठीक है, कार रेडिएटर्स के प्योर वाटर यूज करते हैं, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों के दिनों के होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ स्पैशली वो वाली कंट्रीज जिथे बहुत ज्यादा ठंड पैंदी आ, लाइक केड़ियां कंट्रीज, जिवें अपने को यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज, या फिर अपने को होर केड़ियां? अमेरिकन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, ये कंट्रीज दे विच सर्दियों के दिनों विच बहुत ज्यादा ठंड पैंदी आ, अगर कार रेडिएटर्स दे विच सिर्फ वाटर यूज किया जाएगा, ठीक है, तो वाटर की हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सैलसीयस से। अगर आप यही प्योर वाटर के नाल आप होर की एड कर दिए, प्लस की पा दिए बेटा इस विच आप इथलीन ग्लाइकोल की एडिशन करवा दी, आप इथलीन ग्लाइकोल की, इथलीन ग्लाइकोल पाउण दे नाल की होगा? हुणे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जूगा। ठीक है, तो जिथे वाटर ने अपने को 0 डिग्री सैलसीयस से जाके फ्रीज होना सी, ओही हुण जिहड़ा वाटर का अपने को माइनस दे विच जाके फ्रीज होना। क्लीयर, तो इट मीनस ये कि बन गया अपने को एंटी फ्रीज सोल्यूशनस। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशनस केड़े हुंदे ने? एनी सबसटांस दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथलीन ग्लाइकोल, इथलीन ग्लाइकोल नूं कित्थे यूज किया जाता? कार रेडिएटर्स दे विच। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है बेटा? क्योंकि विंटर सीजन दे विच यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री वगैरह जिथे बहुत ज्यादा ठंड पैंदी हैगी, ठीक है, तो ते कार रेडिएटर का जो वाटर होंदा गा फ्रीज हो जाता, फ्रीज ना हो इसलिए आप उहदे विच की पा देने? एक सल्यूट पा देने इथलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो जिहदे नाल उहदा फ्रीजिंग पॉइंट की होंदा? डिप्रैस हो जाता, समझ लगी, फ्रीजिंग पॉइंट की होंदा? घट जाता। ठीक है, जां फिर इहदा सैकंड क्वेश्चन बनाया जाता, फर्स्ट का ही मैं सिर्फ इत्थे क्वेश्चन दस देनी आ, आंसर उहदा सेम रहेगा, वाई इथलीन ग्लाइकोल इज यूज इन कार रेडिएटर्स। क्वेश्चन वन का ए पार्ट आ, वाई इथलीन ग्लाइकोल इज यूज इन कार रेडिएटर्स। क्लीयर है सबनों? ठीक है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन केड़े होंगे ने? जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देने, तो इन्हें आप कितने यूज करते हैं? कार रेडिएटर्स के। ओके बेटा, नाउ नैक्सट क्वेश्चन की है बेटा,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर डी आइसिंग एजेंट, व्हाट आर डी आइसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो DE का मतलब कितने भी आ जाए केमिस्ट्री दे, मतलब हमेशा की होंगे रिमूव होना, एलीमिनेट करना, आइसिंग मतलब आइस नू रिमूव करना। ठीक है, तो थोड़ा जहां क्वेश्चन तो ही आंसर क्लीयर हो रहा है कि डी आइसिंग एजेंट्स वो होंगे ने जिन्होंने नाल आइस रिमूव कर सकी। ठीक है, बेसिकली की होंगे बेटा ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, जो स्नो कुछ रोड्स के उत्ते काफ़ी ज्यादा स्नो पै जाती है, तो स्नो क्लीयर करने वास्ते कुछ कैमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो कैमिकल्स में आप कहते हैं डी आइसिंग एजेंट्स। तो डी आइसिंग एजेंट्स, सब तो पहले तो थोड़ा डी आइसिंग बारे पता होना चाहिए। डी आइसिंग होंगे की आ, इट इज द प्रोसैस ऑफ रिमूविंग स्नो या फिर आइस और फ्रॉस्ट। ठीक है, स्नो रिमूव करना, आइस रिमूव करना या फ्रॉस्ट रिमूव करना फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, मतलब रोड वगैरह तो, सड़क वगैरह तो। ठीक है, कई बार रोड वगैरह जाम हो जाते हैं ना, ठीक है, किदे करके आइस करके या स्नोफॉल करके, तो रोड नू क्लीयर करना या साफ करना उन्होंने प्रोसैस में की कहते हैं डी आइसिंग, मतलब रिमूव करना। ठीक है, आइस नू रिमूव करना। तो हूँ फॉर एग्जाम्पल किहड़े हुंदे ने डी आइसिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल जिवें सोडियम कलोराइड हो गया या फिर कैल्शियम कलोराइड हो गया, ये सारे यूज किए जाते हैं, आर यूज टू क्लीयर द स्नो ऑन रोड्स। रोड्स उत्ते स्नो नू साफ करने लिए यूज किए जाते हैं। दिस इज बिकॉज ठीक है, तो सोडियम कलोराइड नू अगर तुसी बर्फ दे उत्ते पाओ तो तुसी देखोगे कि जेदे नाल एदे नाल जिहड़ी तुहाडी आइस आ पिंगलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इहदा की रीजन हैगा, क्योंकि सोडियम कलोराइड नू जदों आपां आइस दे उत्ते पाउंदे आ तां उह फ्रीजिंग पॉइंट नू डिप्रैस कर जाती है। दिस इज बिकॉज इट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू सच एन एक्सटेंट, मतलब किस हद तक डिक्रीज कर देती है, टू सच एन एक्सटेंट दैट वाटर कैन नॉट फ्रीज टू फॉर्म आइस। क्लीयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डी आइसिंग एजेंट्स की होंगे ने लाइक सोडियम कलाइड हो गया, कैल्शियम कलाइड हो गया, जो स्नो रोड्स नू क्लीयर करने वास्ते यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है जो डिप्रैस हो जाता, तो इन्ना कर डिप्रैस कर देता कि वह वाटर है जो दोबारा आइस के कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हूँ मैं क्वेश्चन एक तो यह क्वेश्चन आ सकता या फिर सैकंड टाइप का क्वेश्चन की आ सकता, मतलब आंसर सेम ही रहेगा, क्वेश्चन वेरी कर सकता। ठीक है, या फिर सैकंड क्वेश्चन की आ सकता है बेटा, सेम ही Why common salt? जो आप होर की कह सकते हैं, कैल्शियम कलोराइड आर यूज टू क्लीयर द स्नो रोड्स। ठीक है, तो मतलब कॉमन सॉल्ट या कैल्शियम कलोराइड स्नो रोड्स नू साफ करने वास्ते क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, तो तुसी की कहना, बिकॉज इट डिप्रैस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नू घट कर डिप्रैस कर देती है, तो करके कॉमन सॉल्ट या कैल्शियम कलोराइड यूज करते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज अ डी आइसिंग एजेंट। जे तुहानू डी आइसिंग एजेंट पूछा गया तो भी सेम आंसर आ, अगर कॉमन सॉल्ट कैल्शियम कलोराइड का क्वेश्चन पूछा गया तो भी आंसर तुहाडे कोल की होना बेटा, सेम रहना। ठीक है जी, दैन उस तों बाद नैक्सट, हुण मीनस तुहानू एक चीज तो क्लीयर होगी कि सोडियम कलोराइड, ठीक है, जिहड़ा अपने कोल हुंदा कॉमन सॉल्ट, इहदे नाल की आपां आइस नू मेल्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी यह आइस का जां फ्रीजिंग पॉइंट नू डिप्रैस कर सकदा। ठीक है, तो हुण एक चीज तुहानू पता होगी बेटा, तुसी सारे ने आइसक्रीम जां कुल्फी तां खाधी होनी। ठीक है, तो जदों आइसक्रीम जां कुल्फी बनांदे ने तो उहदे विच मोस्टली ना सोडियम कलोराइड ऐड कीता जांदा। ठीक है, तो इहदे नाल ही अपने कोल नैक्सट क्वेश्चन बनदा, Why do we add common salt into ice creams or
ਕੁਲਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਲਟ ਇਜ਼ ਯੂਸਡ ਟੂ ਮੈਲਟ ਆਈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਟ ਇਜ਼ ਯੂਸਡ ਟੂ ਮੈਲਟ ਦਾ ਆਈਸ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਸਡ ਟੂ ਮੇਕ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਵਾਈ ਠੀਕ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋਚੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਸਮੋਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਸਮੋਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸਮੋਸਿਸ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਆਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸਮੋਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੀਕਰ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਨਮਕ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਸਲਿਊਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਦਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਰੋਮ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬੇਟਾ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਨੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਸਟੈਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਿਊਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੂਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁਣ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਸਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫੋਨ
गैसेस पार्टिकल्स की होंगे ने अपने को सपोज मान लो कि आपने किसी एक रूम दे विच की लगाती कोई इनसेंस स्टिक लगाती इनसेंस स्टिक मतलब कि आपने कोई अगरबत्ती लगाती अगर किसी एक कॉर्नर दे विच कोई अगरबत्ती लग रही है ठीक है तो हौली हौली तुसी की देखोगे कि जो पार्टिकल्स ने पूरे रूम दे विच उहदी फ्रैगरेंस आनी शुरू हो जाती है ठीक है तो यह मतलब की होया भी जिहड़े इत्थे पार्टिकल्स ने वह मूव कर रहे ने बेटा ठीक है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बेसिकली डिफ्यूजन किन्ना दे विच हुंदी आ गैसेस दे विच हुंदी आ ठीक है मैं तुहानूं पहले भी जिवें दस चुकी हां कि अपने कोल सपोज इक रूम आ इहदे आपां इक कॉर्नर दे विच इनसेंस स्टिक लगाती ठीक है हुण इह नहीं हैगा वी इहदी इही इक कॉर्नर दे विच इनसेंस स्टिक दी अगरबत्ती दी फ्रैगरेंस रहूगी हौली हौली जिहड़ी इह फ्रैगरेंस आ पूरी रूम दे विच फैलना शुरू हो जूगी इहनूं आपां की कह दिंदे आ डिफ्यूजन कह दिंदे आ ठीक है जां फिर डिफ्यूजन होर की हुंदा तुहानूं इह तां पता ही होणा कि सपोज अपने कोल इक वाटर आ ठीक है वाटर दे विच ने एक ड्रॉप पाती इंक दी ठीक है तो जड़ी ये इंक दी ड्रॉप हौली हौली पूरे पानी दे विच फैलना शुरू हो चुकी तो यह भी की हो रहा है अपने को डिफ्यूजन हो रही है बट डिफ्यूजन ज्यादातर किन्ने दे विच हुंदी है गैसेस दे विच हुंदी है ठीक है तो जड़ी ऑसमोसिस हुंदी अपने को सोल्यूशन दे विच हुंदी है ठीक है जी हुण तुहानूं डिफ्यूजन ते इहदा डिफरेंस क्लीयर हो गया ना ऑसमोसिस दा मतलब बेसिक जी गल पता लग गई ना डिफ्यूजन किन्ने दे विच हुंदी है गैसेस दे विच ठीक है डिफ्यूजन दी होर एग्जाम्पल लै लो मान लो तुसीं क्लास च बैठे हो तो तुहाडे च किसे इक बच्चे ने परफ्यूम लगाया ठीक है तो परफ्यूम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਲੋ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ बहुत ध्यान नाल करियो ठीक है फर्स्ट वन इज द ऑसमोसिस पहला पॉइंट आप करते हैं ऑसमोसिस दैन उस बाद सैकेंड डिफ्यूजन ऑसमोसिस से डिफ्यूजन का डिफरेंस ठीक है हाँ जी दसो ऑसमोसिस दे विच बेसिकली की हुंदा की मूव करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कितों करते हैं मूव फ्रॉम कितों आते हैं बेटा from low solute concentration to high solute concentration but is side utte apne kol ki hoga ki gases move kardiyan ne gases particles move kitho move karde ne from high concentration to low concentration from high concentration to low concentration ठीक है उस बाद next osmosis वास्ते condition आ ठीक है there is requirement of semi permeable membrane ठीक है तो ऐसे वास्ते अपन की चाहिए गए प्रोसेस सिर्फ किधर थ्रू होगा semi permeable membrane के थ्रू ठीक है but diffusion दे विच की होगा there is no need of semi permeable membrane इतने कोई semi permeable membrane नहीं होंगी ठीक है like जब अपन कोई अगरबत्ती लगाई हुई है तो होने थोड़ा भी की उत्थे अपन सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन चाहिए गई वह तो गैसेस ने गए डिफ्यूज हो जाते हैं बस हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन तो इतने सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होंगी ठीक है जी दैन उस तो बाद अपने को आ रहेगा थर्ड डिफरेंस की होंगे गा बेटा कि यह सिर्फ जो ऑसमोसिस होंगे गा बेसिकली कि वास्ते होंगे ओनली फॉर लिक्विड सोल्यूशनस ऑसमोसिस दे विच देखो सॉल्वेंट दे पार्टिकल्स मूव करते हैं दैट मीनस अपन की चाहिए ने इतने लिक्विड सोल्यूशनस चाहिए ने तो जो डिफ्यूजन होंगी बेसिकली कि वास्ते होंगी फॉर गैसेस सोल्यूशनस नो डाउट लिक्विड सोल्यूशनस वास्ते भी होंगे बट गैसेस सोल्यूशनस वास्ते की होंगी ये फास्ट होंगी है क्लीयर है जी दैन उस बाद ऑसमोसिस की होगा नैक्सट ऑसमोसिस नूं आपां की कर सकते हैं ऑसमोसिस कैन बी स्टॉप्ड ऑसमोसिस नूं आपां की कर सकते हैं ऑसमोसिस कैन बी स्टॉप्ड ऑसमोसिस नूं आपां स्टॉप भी कर सकते हैं ठीक है ऑसमोसिस नूं दसो आपां कदों स्टॉप कर सकते हैं कि जदों आपां उस दे उपर कोई ऑसमोटिक प्रैशर अप्लाई कर दिए देखो याद करो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ठीक है कि इधर पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ठीक है दैन उस तो बाद इहदा प्रैशर इनक्रीज होंदा इधर आपां इन्ना क एक्सैस प्रैशर अप्लाई करिए जिहनूं आपां ऑसमोटिक प्रैशर कहिंदे सी जिहदे नाल इह प्रोसैस स्टॉप हो जावे तां ऑसमोसिस नूं आपां स्टॉप कर सकते हैं पर की आपां डिफ्यूजन स्टॉप कर सकते हैं ठीक है कि पार्टिकल्स ने गे जिहड़े ठीक है जदों रूम दे विच जा रहे ने ठीक है अपने कोल फ्रैगरेंस आ गई सारी फैल रही है कि आपां उहनूं स्टॉप कर सकते हैं ठीक है तो डिफ्यूजन कैन नैवर बी स्टॉप
ठीक है डिफ्यूजन आप बेटा हवा चलनी बंद नहीं हो सकती अपने इन्हू स्टॉप नहीं कर सकते है डिफ्यूजन कैन नैवर बी स्टॉप्ड आप चीज न कदे भी स्टॉप नहीं कर सकते ठीक है नैक्सट ऑसमोसिस आप रिवर्स भी कर सकते हैं ठीक है मतलब जो पार्टिकल इस साइड तो जा रहे हैं सोलवेंट तो सोल्यूशन वाली साइड तो आप सोल्यूशन तो सोलवेंट वाली साइड भी पार्टिकल्स में ले जा सकते हैं मतलब इतने की हो सकता है रिवर्स ऑसमोसिस का प्रोसैस भी हो सकता आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं रिवर्स ऑसमोसिस ठीक है जिथे आप यूज करते हैं आर ओ यूज करते हैं ठीक है तो रिवर्स ऑसमोसिस हो सकती है बट डिफ्यूजन के केस की जो एक बार फ्रैगरेंस पूरे रूम के फैल गई ठीक है की द्वारा अपन कलैक्ट करके वही एक जगह से इकट्ठी कर सकते हैं नहीं कर सकते इट कैन नैवर बी रिवर्सड ठीक है ये कदम भी रिवर्स नहीं हो सकता इट कैन नैवर बी रिवर्सड ठीक है जी तो मैं सिर्फ पॉइंट्स तुम्हें समझाने वास्ते लिखे ने ठीक है प्रॉपर वर्डिंग तुहाडे कोले होनी चाहिए तुसीं प्रॉपर नोट्स बनाने ने बेटा इससे ठीक है कोई भी बुक फॉलो कर लो तुसीं एनसीईआरटी कर लो मॉडर्नस कर लो प्रदीप्स कर लो जिहड़ी मर्जी तुसीं बुक फॉलो कर सकते हो ठीक है तो वो बुक के थ्रू तुहाडे कोले एक प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए लिखण वास्ते ठीक है बट पहला पॉइंट्स तुहानूं क्लीयर होने चाहिए मतलब कंसैप्ट सारा क्लीयर होना चाहिए क्लीयर ठीक है तो यह सीगा अपने कोले ऑसमोसिस ते डिफ्यूजन का डिफरेंस ठीक है जी उस तो बाद हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं वट इज रिवर्स ऑसमोसिस ठीक है नैक्सट क्वेश्चन की कर देंगे ये भी क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके थानू ठीक है नैक्सट क्वेश्चन की है बेटा अपने कोले क्वेश्चन नंबर 5 वट इज रिवर्स ऑसमोसिस एंड वट इज इट्स एप्लीकेशन एंड वट इज इट्स एप्लीकेशन ठीक है यदि एप्लीकेशन की है रिवर्स ऑसमोसिस की फर्स्ट ऑफ ऑल समझो जी रिवर्स ऑसमोसिस आर ओ सिस्टम सब ने सुनया होगा जेड़ा कि वाटर प्यूरीफाई करने वास्ते यूज किया जाता वाटर प्यूरीफाई करने वास्ते आप यूज करते हैं आर ओ सिस्टम ठीक है तो हम देखो रिवर्स ऑसमोसिस एक्चुअल होंगे की है सपोज इतने अपने को नेगे बेटा दो कंटेनर ने ठीक है दोनों कंटेनर अपने कि कंबाइन किया हो सैमी परमीएबल मैमब्रेन के सैमी परमीएबल मैमब्रेन ठीक है जी तो एक इतने भी अपने की लगाया हुआ फ्रिक्शनलैस पिस्टन ठीक है दैन उस बाद सैकेंड कंटेनर भी अपने कि जुड़िया हुआ फ्रिक्शनलैस पिस्टन के नाल क्लीयर है बेटा इतने अपने को लग रहे हैं पिस्टन लग रहे हैं ओके सेंटर दे विच की है पुत्र सैमी परमीएबल मैमब्रेन याद है सैमी परमीएबल मैमब्रेन सैमी का मतलब हाफ परमीएबल का मतलब परमिट होना तो वह वाली मैमब्रेन जिहड़े सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स नूं इधर पास करवाउंदी है तो एक कंटेनर दे विच अपने कोल की सिर्फ की आगा ओनली वाटर की आगा बेटा इत्थे सिर्फ अपने कोल एच टू ओ ठीक है सैकेंड कंटेनर दे विच अपने कोल की आगा पुत्र इत्थे सिर्फ नाल एच टू ओ दे विच अपने की पाता नाल सोडियम क्लोराइड पाता एच टू ओ दे नाल की एडिशन करवाई हुई अपने सोडियम क्लोराइड की ठीक है हुण समझो ध्यान ऑसमोसिस होंगे की है इधर अपने कोई सल्यूट नहीं है तो इधर की है लो सल्यूट कंसंट्रेशन ठीक है इधर अपने को सल्यूट है तो इधर इन आप कहे हाई सल्यूट कंसंट्रेशन इस साइड की है बेटा हाई सल्यूट कंसंट्रेशन हूँ कंसंट्रेशन इंबैलेंस आना दोनों बैलेंस करने वास्ते अपने को पार्टिकल्स मूव करते हैं कितों फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन ठीक है जी तो पार्टिकल्स कितों मूव कर रहे हैं बेटा वाटर वाली साइड तो सल्यूशन वाली साइड से इधर अपने को सिर्फ सॉल्वेंट तो इधर अपने को है पुत्र सल्यूशन क्लीयर तो हम पार्टिकल्स ने जो इधर मूव कर रहे हैं ठीक है तो हौली हौली जो इतने अपना जो प्रैशर है वाटर प्रैशर अप्लाई कर रहे हैं दैट प्रैशर इज नॉन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर की कह देने अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर तो उपर एयर अपना प्रैशर लगा रही है उन्होंने आप कह देने होंगे एटमोसफेरिक प्रैशर क्लीयर है इतने तक ठीक है ये प्रैशर तो नॉर्मल ने अपने आप लग रहे हैं नीचे पानी प्रैशर लगा रहे पिस्टन के उपर तो उपर हवा प्रैशर लगा रही है तो उन्होंने एटमोसफेरिक प्रैशर कहेंगे बट की होंगे गा बेटा जे अपने एक्सैस प्रैशर अप्लाई कर दिए मतलब अपने वालों प्रैशर अप्लाई कर दिए ठीक है एक्सैस प्रैशर अप्लाई कर दिए ठीक है तो इन्ना क्या प्रैशर अप्लाई करिए ठीक है जिदे पार्टिकल्स इधरों आने की हो जाए स्टॉप हो जाए ठीक है मतलब पार्टिकल्स इधरों ने बंद हो जाए वो प्रैशर आप कह देने होंगे ऑसमोटिक प्रैशर ठीक है ऑसमोटिक प्रैशर की होंगे जोड़ा प्रैशर सोल्यूशन वाली साइड के उत्ते लगता ता जो पार्टिकल्स इधरों ने बंद हो जाए या फिर ऑसमोसिस का जोड़ा प्रोसैस है स्टॉप हो जाए इन आप कह देने होंगे ठीक है ऑसमोटिक प्रैशर ठीक है हम अगे समझो अगर मैं प्रैशर ऑसमोटिक प्रैशर तो वध लगा दा
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਪਿਸਟਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਪਿਸਟਨ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲਾਈਡ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਜੇ ਫਰੋਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬਟ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੀ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਨ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਸਲਿਊਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲਾਈਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਆਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲਾਈਡ ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਅਲੱਗ ਸਾਲਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡੀਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਡੀਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਡੀ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਆਈਸਿੰਗ ਏਜੈਂਟ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੀ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਡੀ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਲਟ ਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਰਿਮੂਵ ਆਫ ਦਾ ਸਾਲਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਦਾ ਡੀਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡੀਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਫਥ ਦਾ ਇਹ ਵਟ ਇਜ਼ ਡੀਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਡੀਸਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਆਸਮੋਸਿਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਆਸਮੋਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਮੀਨਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਟਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਸਮੋਲਾਈਸਿਸ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਸਮੋਲਾਈਸਿਸ ਪਲਾਸਮੋਲਾਈਸਿਸ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਪਲਾਸਮੋਲਾਈਸਿਸ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਪਲਾਸਮੋਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਆ ਇਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਕੋਈ ਸਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਲੋ ਸਲਿਊਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਵਗੈਰਾ
साइटोप्लाज्म वगैरह ये कंपैरिजन सल्यूट की कंसंट्रेशन होंगी है। इतने आपां की कहांगे हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। तो जो पुत्र आपां ठीक है किसी भी सैल नूं वाटर दे विच रखते हैं तो जिहड़े पार्टिकल्स ने मूव करते हैं लो सल्यूट टू हाई सल्यूट। तो आ जिहड़ी सैल वॉल हैगी इहदी किहदी तरह काम करती है सैमी परमीएबल मैंबरेन की तरह। तो जिहड़े पार्टिकल्स ने गे हौली हौली अंदर मूव करना शुरू हो जाएंगे ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, तो जिहदे नाल जिहड़ा सैल हैगा स्वैल हो जाता, स्वैलिंग अप ठीक है। तो ये की हो जाती है स्वैलिंग हो जाती है, स्वैलिंग ऑफ सैल, सैल जरा कई बार इन्ना ज्यादा स्वैल हो जाता तो वो सैल जरा रपचर भी हो जाता ठीक है। रपचरिंग ऑफ सैल, रपचरिंग ऑफ सैल दैट इज नॉन एज द सैल हीमोलाइसिस। इन्हों पर की कहते हैं सैल हीमोलाइसिस, मतलब जो आप सैल न किसी वाटर के रखिए ठीक है तो वो जोड़ा सैल है स्वैल अप हो जाता ठीक है। तो कई बार सैल के अंदर पानी इन्ना चला जाता कि वह फुल के फट जाता ठीक है। वह आप कह दें सैल हीमोलाइसिस ठीक है। नैक्सट की होंगे बेटा प्लाजमोलाइसिस। प्लाजमोलाइसिस के केस में की होंगे अगर आप किसी प्लांट सैल ठीक है, मेरे को हैगा कोई भी प्लांट सैल आ ठीक है, इन मैं किसी भी ब्राइन सोल्यूशन रखा, मतलब ब्राइन सोल्यूशन का मतलब की होंगे गा बेटा ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन किनू कहते हैं जिस अपने को सोडियम कलोराइड हो, सोडियम कलोराइड प्लस वाटर वाले सोल्यूशन रखा ठीक है। तो हम समझो इतने अपने को जो वाटर इतने सल्यूट पाता अपने सोडियम कलोराइड, तो इन्हों की कहेंगे इतने की होगी अपने को हाई सल्यूट कंसंट्रेशन ठीक है। ये कंपैरिजन सैल के अंदर की हो जाएगी पुत्र लो सल्यूट कंसंट्रेशन। तो पार्टिकल्स कितों मूव करेंगे फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट। बस तुम इतने कोई कंफ्यूज नहीं होना, एक गल माइंड फिट रखनी है भी पार्टिकल्स हमेशा कितों मूव करते हैं लो सल्यूट टू हाई सल्यूट ठीक है, लो सल्यूट टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन ठीक है। तो इतने अपने को पार्टिकल्स ने जो लो सल्यूट तो हाई सल्यूट बाहर आएंगे ठीक है। तो जिदे करके जो सैल है वह की हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक सैल की हो जाएगा बेटा श्रिंक हो जाएगा। यह कंडीशन की कहा जाता प्लाजमोलाइसिस, की कहा जाता इनू प्लाजमोलाइसिस ठीक है। तो प्लाजमोलाइसिस की होंगे श्रिंकेज ऑफ द सैल वॉल वैन वी एड द सैल इन द हाई सल्यूट कंसंट्रेशन सोल्यूशन या फिर ब्राइन सोल्यूशन कंसंट्रेशन, ब्राइन सोल्यूशन एड कर देने दैट इज नॉन एज द प्लाजमोलाइसिस ठीक है जी। समझ ला गई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हीमोलाइसिस, एक की होंगे बेटा प्लाजमोलाइसिस ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन कर लगे हूँ, नैक्सट क्वेश्चन की होगा पुत्र अपने को क्वेश्चन नंबर सैवन, क्वेश्चन नंबर सैवन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस उत्ते आपां की करनी हैगी सोल्यूशन दी टाइप्स नूं एक्सप्लेन करना ठीक है। देयर आर द थ्री टाइप्स, कितने टाइप्स होंगे ने सोल्यूशन दी, थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तीन तरह के सोल्यूशन होंगे ने अपने को, थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशंस। नैक्सट वन इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशंस, हाइपोटोनिक सोल्यूशंस। एंड थर्ड वन इज द आइसोटोनिक सोल्यूशंस, आइसोटोनिक सोल्यूशंस ठीक है। हुण हाइपर का मतलब की होंगे, हाइपर वर्ड कित भी आ जाए साइंस के मतलब की होंगे एक्सेस होना ठीक है। जो आप कह देना इन हाइपरटेंशन ठीक है, हाइपरटेंशन बीपी का वधना, किसी भी चीज़ का वधन आप देना हाइपर होना ठीक है। हाइपो का मतलब की होंगे लो अमाउंट या घटना, किसी भी चीज़ का घटना लो कह लो ठीक है, या फिर की कह लो लैस ठीक है। आइसो का मीनिंग की होंगे बेटा सेम, बस ये बेसिस उत्ते ही सोल्यूशन के टाइप्स में एक्सप्लेन करना जी ठीक है। अपने को तीन तरह सोल्यूशन होंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन। हम देखो सपोज मान लो एक मेरे को सोल्यूशन ए आ, एक अपने को हैगा सोल्यूशन बी आ ठीक है। हुण अगर दोनों सोल्यूशन के ए सोल्यूशन का ऑसमोटिक प्रैशर ज्यादा आ ठीक है, इफ ए एज अ हाई ऑसमोटिक प्रैशर ठीक है, ए सोल्यूशन का ऑसमोटिक प्रैशर ज्यादा है कि कंपैरिजन बी के कंपैरिजन, तो मैं ए नू की कहूंगी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की होंगे गा बेटा द सोल्यूशन विच हैज द हाई ऑसमोटिक प्रैशर,
ठीक है, केड़ा सोल्यूशन जिदा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हुंदा उन्हों पे कहांगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की हुंदा, ठीक है, हुण ए सोल्यूशन दा की होगा लैस ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं तुहानू कहा सी ना वी कीवर्ड्स पता होने चाहिए, हाइपो मतलब लैस लो, ठीक है, अगर ए बी सोल्यूशन दे विचों ए दे कंपैरिजन बी दा ऑस्मोटिक प्रेशर घट आ तैनू पई कहांगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर दोवें सोल्यूशनस दा ऑस्मोटिक प्रेशर की आ सेम, ठीक है, अगर दोवें सोल्यूशन दा ऑस्मोटिक प्रेशर की होगा सेम होगा, इफ बोथ द सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैन दे आर कॉल्ड द आइसोटोनिक सोल्यूशंस। ठीक है जी, तो अपने को तीन तरह के सोल्यूशन होंगे ने, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लीयर है बेटा इतने तक? चलो जी हम अपन नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नैक्सट क्वेश्चन केड़ा बेटा? क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान ना समझो पहला क्वेश्चन नू। आउटर हार्ड शैल, आउटर हार्ड शैल्स ऑफ टू एग्स आर मूव्ड, आउटर हार्ड शैल्स ऑफ टू एग्स आर रिमूव्ड, टू एग्स आर रिमूव्ड, वन एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, प्लेस्ड इन प्योर वाटर and other placed in saturated solution of NaCl, what will be observed and why? हुण ध्यान ना समझो बेटा क्वेश्चन नू, बहुत बारी ये क्वेश्चन एज सच आया हुआ, सेम वर्डिंग बोथ फॉर सीबीएसई एंड पंजाब बोर्ड दे विचे बहुत बारी आया है राजे। क्वेश्चन देखो अपने कोले की हैगा, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब देखो इस दे विच अपने कोले क्वेश्चन की आ रहा, आउटर हार्ड शैल्स ऑफ टू एग्स आर मूव्ड, ठीक है, मीनस अपने को एग की जिहड़ी उपर वाली कवरिंग होंदी है ना, हार्ड शैल होंदा जिहड़ा एग दा, उहनू रिमूव किया गया। वह किधर रिमूव किया जाता है? एग नू तुसीं एचसीएल दे विच पा दो ते उस तों बाद उहदा जिहड़ा आउटर हार्ड कवर होगा उहनू रिमूव कर दो। ठीक है, तो अपने को दो एग ने गे, ठीक है, फर्स्ट वन एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, मीनस अपने को जिहड़ा फर्स्ट एग आ, ठीक है, ये अपने को की है बेटा फर्स्ट एग, इहनू आपां किस दे विच रखा हैगा, फर्स्ट एग इज प्लेस्ड इन किस चाहे प्योर वाटर दे विच, प्योर वाटर दे विच, ठीक है। दैन उस बाद नैक्सट एंड अदर प्लेस्ड इन सैचुरेटड सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो जिहड़ा अपने को सैकेंड एग आ, ठीक है, उहनू आपां ने किहदे विच रखा हैगा, सैचुरेटड सोल्यूशन दे विच, अदर प्लेस्ड इन सैचुरेटड सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब इत्थे अपने को वाटर प्लस NaCl दा सैचुरेटड सोल्यूशन बनाया होया है। सैचुरेटड सोल्यूशन तो समझते हो ना कि जिस दे विच फर्दर सल्यूट की अमाउंट एड ना कर सकीए, मतलब वाटर दे विच जिन्ना मैक्सीम सोडियम कोलाइड एड होना सी आपां ने करता, इस तों बाद सोडियम कोलाइड दी अमाउंट होर इस दे विच एड नहीं हो सकदी, उहनूं आपां की कह देने हुंदे आ, सैचुरेटड सोल्यूशन कह देने आ। ठीक है जी, तां हुण देखो कहिंदे One egg is placed in pure water and other is placed in saturated solution of NaCl. What will be observed and why? ठीक है, कुछ टाइम बाद आपां देखांगे, ठीक है, भी दोनों एग्स दे विच की डिफरेंस पैना ते क्यों होया वो चीज़। हुण ध्यान नाल समझो बेटा, इस चीज़ नूं अपने एग नूं किस दे विच रखा है? प्योर वाटर दे विच। प्योर वाटर मतलब सल्यूट बिल्कुल भी नहीं हैगा, तो इट मीनस इत्थे की होया? लो सल्यूट कंसंट्रेशन। इहदे कंपैरिजन एग दे विच की हुंदा? यॉक वगैरह, एग सैक वगैरह हुंदा गा, ठीक है बेटा, तो उहदे करके आपां की समझ अपने को पे ने कि कुछ सल्यूट की अमाउंट भी है एज कंपेयर टू द प्योर वाटर, तो इट मीनस ये अंदर सल्यूट है, तो आप इतने की लिख देंगे आई हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। तो हुंदा की है पुत्र, हौली हौली जिहड़ा वाटर मूव करना शुरू करता कित्थों? फ्रॉम लो सल्यूट टू हाई सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, लो सल्यूट टू हाई सल्यूट, ये एग के अंदर वाटर चला जाऊगा, तो जिस नाल एग की हो जाऊगा हौली हौली स्वेल होना शुरू हो जाऊगा। ठीक है जी, तो केड़ा प्रोसैस होया बोलो, इतने इतने केड़ा प्रोसैस होया बेटा? ऑसमोसिस का, ठीक है, तो ऑसमोसिस होने करके एग की हो जाना, इतने स्वेल हो जाना। ऑन द अदर हैंड जे आप यही एग न किस पा दी, आप वाटर प्लस NaCl सैचुरेटेड सोल्यूशन, पहला एग का नॉर्मल साइज आ, ठीक है, दैन उस बाद हुण इस दे विच NaCl पिया, मतलब इस दे विच अपने कोले की पिया? सल्यूट पिया, तां आपां इत्थे की कहांगे? हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सल्यूट
कंसनट्रेशन ठीक है एज कंपेयर टू एग के कंपेरिजन आप इतने की कहेंगे कि ये सोल्यूशन के कंपेरिजन एग के अपने को लो सल्यूट कंसनट्रेशन लो सल्यूट कंसनट्रेशन क्लीयर है तक फिर हूँ होना की है पार्टीकल्स तो सेम ही मूव करेंगे फ्रॉम लो सल्यूट टू हाई सल्यूट तो इतने पार्टीकल्स फ्रॉम लो सल्यूट टू हाई सल्यूट कंसनट्रेशन पार्टीकल्स मूव करेंगे थ्रू सैमी परमीएबल मैमब्रेन ठीक है यदि आउटर कवरिंग जी होगी सैमी परमीएबल की तरह होनी है तो जो इस हौली हौली सॉल्वेंट के पार्टीकल्स मूव करने शुरू हो जाएंगे तो एग की हो जाना बेटा श्रिंक हो जाना ठीक है तो इतने एग का साइज की हो जूगा समॉल हो जूगा ठीक है तो इधर एग का साइज की हो जूगा लार्ज हो जूगा ठीक है प्रोसैस किड़ा हो दोनों ऑसमोसिस का होया ऑसमोसिस की होंगे मूवमेंट होंगी मूवमेंट ऑफ किड़े पार्टीकल्स की सॉलवेंट पार्टीकल्स कितों बेटा मूवमेंट ऑफ सॉलवेंट पार्टीकल्स फ्रॉम कितों लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसनट्रेशन लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसनट्रेशन लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसनट्रेशन क्लीयर है सबनों ये ठीक है पुत्र दैन उस बाद आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन से देखो why is great care taken in intravenous injection in intravenous injection to have comparable concentration of solution be injected to that of blood plasma हुण पहला क्वेश्चन ध्यान ना समझो कहिंदा वाई देर इज ग्रेट केयर टेकन ठीक है भी इन्ना ध्यान क्यों रखा जाता जदों किसी परसन नूं कोई इंट्रावीनस इंजैक्शन दिता जाता ठीक है तो उहदी जिहड़ी कंसनट्रेशन आ उह कंपेरेबल क्यों होनी चाहिए किस अपने ब्लड प्लाज्मा दे नाल ठीक है बेटा जो इंजैक्शन लगाया जाता इंट्रावीनस इंजैक्शन मतलब वीनस वेन्स वगैरह दे विच इंजैक्शन लगाया जाता ठीक है तो जो इंजैक्शन आदि जी कंसनट्रेशन आ मैच होनी चाहिए है कि ब्लड प्लाज्मा दे नाल मतलब जो इंजैक्शन लग रहा है उसकी कंसनट्रेशन वो सोल्यूशन आ जो जो इंजैक्शन लग रहा है सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कि मैच होनी चाहिए ब्लड प्लाज्मा दे नाल कंपेरेबल मतलब थोड़ी बहुत ही घट्टो वध होनी चाहिए है ठीक है बट ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए ठीक है तो इंजैक् एक्शन की जी कंसनट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के नाल क्यों मैच होनी चाहिए हूँ समझो ध्यान नाल देखो राजे जो इंजैक्शन लगता इंट्रावीनस इंजैक्शन ठीक है तो ब्लड सैल्स होंगे क्लीयर है जी ये की पे ने अपने को ब्लड सैल्स हूँ जो इंजैक्शन लगाया सपोज मान लो अपने को जोड़ा इंजैक्शन लगे वो कंसनट्रेशन ज़्यादा मीनस वो की है अपने को हाइपरटोनिक ठीक है जोड़ा अपने सपोज मान लो जो अपने को कंसनट्रेशन कंपेरेबल नहीं हैगी ठीक है दो केस लैके चलेंगे अपना केस वन के अपने को होगा अगर आप करा करते हैं जो इंजैक्शन लगा रहे हैं कंसनट्रेशन की है हाइपरटोनिक मतलब की होगी हाई कंसनट्रेशन किसकी बेटा सल्यूट की हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा ठीक है यह की है अपने को ब्लड सैल आ तो हूँ देखो ये कंपेरिजन सल्यूशन के कंपेरिजन ये की हो जानी है लो सल्यूट कंसनट्रेशन तो पार्टीकल्स सॉलवेंट पार्टीकल्स मूव कर लग जाएंगे लो सल्यूट टू हाई सल्यूट कंसनट्रेशन तो जिदे करके जो ब्लड सैल्स ने गे हो जाएंगे बेटा श्रिंक हो जाएंगे इतने अपने को ब्लड सैल्स की हो जाने ने श्रिंक हो जाने ने ठीक है जी दैन उस बाद केस टू दे विच की होना केस टू दे विच ठीक है तो हुण केस टू दे विच देखो अगर सपोज आपां ही सोल्यूशन हाइपोटोनिक कंसनट्रेशन दा लगाउंदे आ ठीक है ये अपने कोल की पिआगा ब्लड प्लाज्मा ठीक है इत्थे जे मेरे कोल सोल्यूशन की कंसनट्रेशन की है बेटा हाइपोटोनिक ठीक है तो हुण इहदे कंपैरिजन ये की पे अपने कोल ब्लड सैल ये की है बेटा ब्लड सैल अगर इंजैक्शन हाइपोटोनिक कंसनट्रेशन का लग गया इट मीनस की होया लो सल्यूट कंसनट्रेशन लो सल्यूट
कंसंट्रेशन, ठीक है, तो एदा ही लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी, इतने की होगी पुत्र हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो पार्टिकल्स पता थोनों हमेशा कितों मूव करते हैं, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने ब्लड सैल्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, तो जिद करके ब्लड सैल्स ने गए वो रपच्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो दोवें केस के केस वन ते केस टू के जे आप कंसंट्रेशन वध लै लीए तो सैल्स श्रिंक हो जाते हैं ड्यू टू ऑसमोसिस, जे आप कंसंट्रेशन घट लै लीए तो सैल्स स्वैल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इट मीनस अपन कंसंट्रेशन ना ज्यादा होनी चाहिए ना घट होनी चाहिए, कंसंट्रेशन की होनी चाहिए कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब जो अपने ब्लड सैल्स की कंसंट्रेशन आ ब्लड के अंदर, ठीक है, जो अपने को सैल्स की कंसंट्रेशन आदा की कंसंट्रेशन कि होनी चाहिए कि बेटा इंजैक्शन की, ठीक है, जो आप इंटरवीनस इंजैक्शन लगवाना, समझ लग गई, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आ रहेगा विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान ना सुनो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10। विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। हुण देखो बेटा, तुसी चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो, ठीक है। फर्स्ट की अपने को रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, ठीक है जी। सैकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की पढ़ी है कि बेटा एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की पढ़ी है तुसी ने डिप्रैशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की पढ़ी है तुसी ने ऑसमोटिक प्रैशर, ठीक है जी। तो हम चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू तुसी ने केड़ी वैल्यू फाइंड आउट की है, मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट एम बी की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो हम आप अगर चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की गल करिए, इन चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी सब तो वधिया मनिया जाता कहदे वास्ते, मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट को डिटरमाइन करने वास्ते, ठीक है। मतलब केड़ी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप एम बी की वैल्यू एक वधिया तरीके दे नाल डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचो केड़ी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी, दैट आंसर इज द ऑसमोटिक प्रैशर, आंसर इज ऑसमोटिक प्रैशर। हुण क्वेश्चन ए अराइज होंदा भी ऑसमोटिक प्रैशर ही क्यों बेस्ट मनी गई हैगी एम बी की वैल्यू डिटरमाइन करने वास्ते, बाकी दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों नहीं मनी हैगी, ठीक है। फस्ट रीजन की हैगा बेटा, जिहड़ा ऑसमोटिक प्रैशर अपने कोल हुंदा, ठीक है, फस्ट ऑफ आल यह अपने कोल रूम टैंपरेचर उत्ते आपां यह ऑसमोटिक प्रैशन आप रूम टैंपरेचर के उत्ते कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हालांकि जिहड़े बाकी दीआं प्रॉपर्टीज़ ने जिवें अपने कोल फ्रीजिंग इन डिप्रैशन फ्रीजिंग पॉइंट, इत्थे बहुत लो टैंपरेचर से अपन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। इत्थे एलिवेशन बॉयलिंग पॉइंट मतलब इत्थे अपन टैंपरेचर बहुत हाई रखना पैंदा, रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, अगर आप वेपर प्रैशर क्रिएट करना तो इत्थे भी अपन टैंपरेचर राइज करना पेगा। तो बाकी दीआं जिहड़ी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ने इन्हां दे विच जां टैंपरेचर वधाउणा पैणा जां टैंपरेचर घटाउणा पैणा, तो जिहदे करके मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट दे उत्ते इफेक्ट पै सकदा, ठीक है। बट जिहड़ा अपने कोल ऑसमोटिक प्रैशर आ गया आप नॉर्मल रूम टैंपरेचर उत्ते, ठीक है, सोल्यूशन प्रिपेयर करके आप ऑसमोटिक प्रैशर डिटरमाइन करके किसी भी सोल्यूशन का मॉलिकुलर मास किसी भी सोल्यूट का आप मॉलिकुलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो केड़ी बेस्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑसमोटिक प्रैशर, ओके बेटा। अगर तुहानू एक क्वेश्चन की प्रॉपर वर्डिंग चाहिए आ, ठीक है, मीनस ये तो मैं तुहानू कल क्वेश्चन समझा रही हूँ तो नाल नाल आंसर दस रही हूँ, आंसर का कॉन्सैप्ट क्लीयर करवा रही हूँ। मीनस अगर तुम नोट्स प्रिपेयर करने ने जो क्वेश्चन की तुहानू प्रॉपर वर्डिंग चाहिए है, ठीक है राजे, मेरे तो ये बने बनाए मेरे हैंडमेड खुद के नोट्स ने गे वो भी तुसी लै सकते हो, ठीक है। वो नोट्स तुसी किस तरह लै सकते हो बेटा, एक वट्सएप ग्रुप आ साइंस ग्रिप के नाम से, साइंस ग्रिप, ठीक है, साइंस ग्रिप के नाम से एक वट्सएप ग्रुप, अगर तुसी वो वट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो तुसी मैनू मैसेज कर सकते हो बेटा, इतने मैसेज कर सकते हो किन्ने नंबर पर, 7973769729, क्लीयर बेटा, ये मेरा नंबर है। तो ये उसे अपना वट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, तो जिथे तुम्हें सारे चैप्टर्स से हैंडमेड एंड बिल्कुल सिंपल एंड ईजी लैंगुएज नोट्स प्रोवाइड होंगे, ओके बेटा। तो अपना यह 10th क्वेश्चन सीगा, विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज प्रैफर टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, 10th क्वेश्चन। तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, अगेन नैक्सट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ, क्वेश्चन नंबर इलेवन समझो पहला, विल द एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट बी सेम इफ वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड
वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड और वन मोल ऑफ और वन मोल ऑफ शुगर, वन मोल ऑफ शुगर डिजॉल्व इन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, हुण समझो ध्यान नाल, कहिंदे जिहड़ा एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट आ, ठीक है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, है कि जिहड़ी एलिवेशन बॉयलिंग पॉइंट आ इह सेम होगा जे मेरे कोल एक मोल सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होवे जां फिर एक मोल किहदा होवे शुगर का सोल्यूशन होवे। ठीक है, हुण सपोज अपने कोल की हैगा वन मोल सोडियम क्लोराइड का मतलब की होगा, ठीक है, इट मीनस इत्थे अपने कोल की आ 1000 ग्राम दे विच आपां ने डिजोल्व की किया होएगा, ठीक है, वन मोल ऑफ एक मोल अपने कोले की है सल्यूट, वन मोल ऑफ सल्यूट नू डिजोल्व किया होया, ठीक है, किसका सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, जां फिर सैकेंड सोल्यूशन दे विच अपने कोले की दा होगा बेटा शुगर का होगा। ठीक है, तो हुण देखो कि इन्हां दोवां दोवां सोल्यूशनस का सैकेंड सोल्यूशन अपने कोले की आ गया सेम 1000 ग्राम वाटर दे विच, ठीक है, आपां ने की डिजोल्व किया होया वन मोल सल्यूट वन मोल ऑफ कि शुगर का, वन मोल ऑफ शुगर, तो इधर अपने को है वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक सोल्यूशन ए है तो एक सोल्यूशन बी है, दोनों ने अपने की किया जी बॉयल किया। ठीक है, तो हूँ यदा जो बॉयलिंग पॉइंट आ, ठीक है, तो यदा बॉयलिंग पॉइंट है कि इन दोनों का बॉयलिंग पॉइंट सेम होगा, एलिवेशन बॉयलिंग पॉइंट, हूँ समझो ध्यान नाल, इन दोवों का बॉयलिंग पॉइंट की होना डिफरेंट होना, क्यों डिफरेंट होना, देखो बेटा ध्यान नाल, हालांकि दोवों की हैगी अमाउंट अपने की ली है सेम ली है, ठीक है, ये अपने को शुगर है तो अपने को हैगा सोडियम क्लोराइड। हूँ देखो जो एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट है वह की है जी, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आ। हूँ याद करो मैं तुम्हें दसिया से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की होंगी है, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, जी कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स से, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, डज नॉट डिपेंड्स कि नहीं डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नेचर से नहीं डिपेंड करती है। हूँ नेचर मतलब भावें सोडियम क्लोराइड है भावें शुगर आ, ठीक है, ये कोई लिंक नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करती है। तो हूँ जो बेटा सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन तुम बनाओगे तो इतने तुहाडे कोल सोडियम पॉजिटिव तो क्लोराइड के आइंस बन के आएंगे, ठीक है, बट जो शुगर वाटर के डिजोल्व करोगे तो शुगर की है एक नॉन इलैक्ट्रोलाइट आ, तो ये अगे कोई नंबर ऑफ आइंस नहीं बन के आएंगे। क्लीयर है जी, तो हूँ देखो कि नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा नहीं बोलो सोडियम क्लोराइड के, इतने दो नंबर ऑफ मोल्स आइंस बन के आ गए, बट इतने अपने को कोई नंबर ऑफ आइंस नहीं है, ठीक है, तो जिदे ज़्यादा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स होलीगेटिव प्रॉपर्टी वो की होनी है ज़्यादा होनी है, तो इट मीनस यदा एलिवेशन बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होना, यदा एलिवेशन बॉयलिंग पॉइंट की होना पुत्र घट होना। क्लीयर है तक, तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ लगी ना, एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट की सेम होगा अपने को सोडियम क्लोराइड वास्ते ते शुगर ले, नहीं एलिवेशन बॉयलिंग पॉइंट अपने को सेम नहीं रहना सोडियम क्लोराइड ते शुगर ते ले। क्लीयर है इत्थे तक, ठीक है, दैन उस तो बाद नैक्सट आप क्वेश्चन करन लगे हाँ, क्वेश्चन नंबर किनवा होना बेटा है अपना 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो हूँ 13 नंबर क्वेश्चन दे विच देखो, क्वेश्चन नंबर थर्टीन केड़ा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ऑफ ऑल give the relationship between normality and molarity। मोलैरिटी ते नॉर्मैलिटी का रिलेशनशिप की आ, जां तां इह क्वेश्चन आ सकदा जां फिर की आ सकदा, और What is normality of 1.5 molar sulfuric acid and जा फिर होर की कह सकते हैं 1 molar sodium hydroxide, ठीक है, मतलब तुहानू नॉर्मैलिटी दसी हुई है तो तुहानू मोलैरिटी पुछी गई है। क्लीयर है बेटा, सॉरी नॉर्मैलिटी तो पूछी गई है तो मोलैरिटी थोनू दसी गई है, ठीक है, रिलेशनशिप दसो सब तो पहले तो, ठीक है, कि रिलेशनशिप होता है बेटा मोलैरिटी तो नॉर्मैलिटी का, यस दैट इज इक्वल टू द नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी, मोलैरिटी इंटू एसिडिटी एक किन्ने लई हुंदी है 4 बेस बेसिस लई हुंदी है, ठीक है, जा फिर नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी
मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ये किन्ना लई हुंदे बेटा फोर एसिड्स ये रिलेशन है पुत्र अपने कोले नॉर्मैलिटी ते मोलैरिटी दा ठीक है। हुण देखो तुहानू पुछया गया व्हाट इज द नॉर्मैलिटी ऑफ 1.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मोलैरिटी मतलब दिती हुई है सल्फ्यूरिक एसिड दी ते पुछया की है नॉर्मैलिटी। हुण सल्फ्यूरिक की है एसिड एसिड लई की हुंदी है बेसिसिटी ठीक है। तो तुसीं पहला बेसिसिटी फाइंड आउट करो सल्फ्यूरिक एसिड दी बेसिसिटी किन्नी होनी है। बेसिसिटी मतलब की हुंदा कि यह सोल्यूशन दे विच किन्ने एच पॉजिटिव आयंस नूं रिलीज करूगा ठीक है। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी किन्नी दित्ती है पुत्तर 1.5 ते बेसिसिटी किन्नी अपने कोले 2 तो अपने कोले 3 की आ गई नॉर्मैलिटी ठीक है। 1.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मैलिटी कितनी आ गई 3। अच्छा तो 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मैलिटी कितनी होनी है तो 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH ठीक है। तो बेस आ बेस दे लई की हुंदी आ एसिडिटी याद है ना कंसैप्ट आपां ने सब तो पहला मैथड्स टू एक्सप्रैस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दे विच जो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला करवाया से उत्थे समझाया से बेटा थोनू ठीक है। तो बेस लई की हुंदी आ एसिडिटी एसिडिटी कितनी है 1 ठीक है। तो अपने कोले कितनी है इसकी मोलैरिटी कितनी दित्ती है बेटा 1 ठीक है। तो अपने कोले बेसिसिटी कितनी है सॉरी बेस लई एसिडिटी कितनी है 1 तो इत्थे अपने कोले नॉर्मैलिटी कितनी रहनी है 1 नॉर्मल ओके ठीक है। तो ये अपना रिलेशनशिप फाइंड आउट करना नॉर्मैलिटी तो मोलैरिटी का ठीक है जी। तो या फिर तो ये पूछा जाऊगा रिलेशनशिप पूछे जाऊ या फिर तो कोई नॉर्मैलिटी दस दी जाऊगी सोल्यूशन की क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट थोड़े तो पूछा जाऊगा भी इसकी मोलैरिटी दसो क्लीयर है बेटा इतने तक। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Why does we use pressure cooker to reduce cooking time। हुण ध्यान नाल समझो देखो बेटा अगर आपां घरां दे विच नॉर्मल जदों आपां खाना वगैरह बनाने आ कुक करदे आ ठीक है। तो प्रैशर कुकर मोस्टली यूज किया जाता ठीक है। तो प्रैशर कुकर नूं ही क्यों ज़्यादा प्रैफर करते हैं ठीक है भी जिहदे करके जिहड़ा खाना वह जल्दी बन जाता मतलब जल्दी पक जाता खाना ठीक है। तो उहनां नाल टाइम घट लगता तो इसका की रीजन आ वाई डू वी यूज द प्रैशर कुकर टू रिड्यूस द कुकिंग टाइम। तो देखो पुत्र हुण प्रैशर कुकर दे विच बेसिकली हुंदा की हैगा जदों आपां प्रैशर कुकर दे विच कोई भी फूड बनाने आ कोई भी फूड ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਪਰਸ ਅਗੇ ਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਲਿਡ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਊਗਾ ਓਵਰ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਇਲਸ ਐਟ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। देयर फोर कुकिंग अकर्स फास्ट ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਪਰਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਰਮਲ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਆ।
उस तो बाद लास्ट क्वेश्चन करन लगे पुत्र अपना क्वेश्चन नंबर 15 की है गा वाई देर इज इनक्रीज इनक्रीज कह लो या फिर एलिवेशन कह लो एलिवेशन वर्ड पढ़िया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाई देर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वेन वी एड सोडियम क्लोराइड वेन वी एड सोडियम क्लोराइड इन सॉल्वेंट ठीक है तो समझो ध्यान नाल क्वेश्चन समझो बेटा पहला ठीक है क्वेश्चन दे विच की कह रहे ने कि अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया ठीक है सोल्यूशन दे विच की कीता आपने सोडियम क्लोराइड पाता किस दे विच वाटर दे विच ठीक है हुण एक इस साइड ते अपने कोल की हैगा ओनली वाटर ठीक है इस साइड ते की अपने कोल ओनली वाटर ठीक है ते एक सोल्यूशन दे विच आपने की पाया होया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ठीक है तो अपने को देखो जो तो अपने को नॉर्मल वाटर तो नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन जे मैं इस सोडियम क्लोराइड पा दा ठीक है तो यह बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज हो जूगा मीनस देर इज एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट ठीक है सेम ही पुत्र अगर भाई वाटर के सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर पाइए तो मैं फ्रीज करना चाह तो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता बोलो 0 degree Celsius बट हुण इहदा फ्रीजिंग पॉइंट की हो जाना डिप्रैस हो जाना घट जाना ठीक है तो डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन सोडियम क्लोराइड आप पा दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता ठीक है नॉर्मल वाटर के नालों जे आप सोडियम क्लोराइड पा दिए तो बॉयलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर के नालों इनक्रीज हो जाना 100 degree Celsius बॉयलिंग पॉइंट आ ठीक है अगर आप इस सोडियम क्लोराइड पा दिए तो 100 तो अबव जाके बॉयल होना ठीक है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 degree Celsius जे मैं इस सोडियम क्लोराइड पा दें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 तो घट जाना मतलब माइनस से जाके फ्रीज होना ठीक है तो हुण इहदा की रीजन आ जी तो यह रीजन यही है बेटा तुम मैं थोड़ा सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फुल डिटेल करवाई हुई हैं वैसे थोड़ा यदा आंसर खुद को आना चाहिए ठीक है तो सोडियम क्लोराइड की है एक अपने को सोडियम क्लोराइड इज नॉन वॉलेटाइल सल्यूट सोडियम क्लोराइड की है बेटा अपने को एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ठीक है तो जो भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट के किसी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट की अडिशन करवा दें तो हमेशा वह बॉयलिंग पॉइंट है जोड़ा वो इनक्रीज हो जाता बॉयलिंग पॉइंट की होता बेटा इनक्रीज तो फ्रीजिंग पॉइंट की होता डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट की होता पुत्र डिक्रीज हो जाता ठीक है बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हाँ जी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के होंगे ने विच डज नॉट फॉर्म वेपरस जिन्हें वेपरस नहीं बनते क्लीयर बेटा इन्हों क्वेश्चन तो इलावा पुत्र मैं थोड़ा होर भी पहला बहुत सारे क्वेश्चन करवाए ने ठीक है जो आप स्टार्टिंग लाइक शायद थोड़ा याद हो गए अपने क्वेश्चंस किते सीगे आउट ऑफ 1 molar and 1 molar विच इज मोर कंसनट्रेटड ठीक है या फिर अपने को जी मलैरिटी तो मलैरिटी इन्हों के बेस्ट मैथड आ किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन एक्सप्रैस करा का इदा के बहुत सारे क्वेश्चन ने जोड़े 10 year के क्वेश्चन ने गए तो तुम वो क्वेश्चन भी इन्हों के नाल ही ऐड कर लेना ठीक है राजे तो यह सी अपना सोल्यूशन चैप्टर इस कंप्लीट हो गया ठीक है जी पहला डिटेल करवाइए तो फिर उस बाद 10 year के क्वेश्चन किए हैं हूँ चैप्टर बेटा तुम चंकी तरह डीपली पढ़ना ठीक है इससे नोट्स प्रिपेयर करने ने क्लीयर दैन उस तो बाद सारिया वीडियोज़ में अगर कोई नहीं समझ आती तो रिपीट देखनी है तो वीडियोज़ में वो लाइक करना शेयर करना एंड साइंस ग्रिप के चैनल में सबसक्राइब करना ठीक है बेटा उस तो बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करांगे हुण बट उस तो पहला तो फर्स्ट यूनिट चंगी तरह टिप्स से होनी चाहिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू